हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पाइथन वीडियो लेक्चर में आज हम सीखेंगे कि बटन पे जो बॉर्डर हम अप्लाई करते हैं उसमें कौन कौन से स्टाइल्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक नया फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका नाम मैंने दे दिया GUI11.py। ठीक है, अब आपको पता है कि सबसे पहले हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम एक रूट विंडो बनाते हैं और उसका ज्योमेट्री सेट करते हैं, मतलब उसका विड्थ और हाइट कितना रहेगा और क्या उसकी पोजीशन आपको देना है, वो आप दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट हम क्या करते हैं, लास्ट में आपको बताया आप मेन लूप मेथड को कॉल करते हैं। ठीक है, अब हम कौन कौन से बॉर्डर स्टाइल्स होते हैं वो देखना चाहते हैं। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल्स आप लेबल पे भी अप्लाई कर सकते हो, बटन पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं बटन यूज़ करता हूँ, तो मैं बटन क्रिएट कर लेता हूँ बटन, और यहाँ पे मैंने बटन बता दिया कि मुझे बटन को किस विंडो पे क्रिएट करना है। तो ये जो हमारी रूट विंडो है वहाँ पे क्रिएट करना है, और बटन पे क्या लिखा हुआ है तो बटन पे मैंने लिख दिया। ठीक है, हम जो स्टाइल बटन पे अप्लाई करने वाले हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बटन पे जो बॉर्डर स्टाइल देखेंगे वो रहेगा सॉलिड। ये टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब क्या है, जो बटन पे लिखा हुआ आएगा। अब बॉर्डर स्टाइल्स देखने के लिए आपको कोई ना कोई बॉर्डर, बॉर्डर का कुछ ना कुछ विड्थ देना पड़ेगा, तभी आपको बॉर्डर विजिबल हो पाएगा। तो बॉर्डर का मैंने विड्थ दे दिया 5। विड्थ अगर 0 रहेगा तो आपको बॉर्डर विजिबल नहीं हो पाएगा। अब जो बॉर्डर स्टाइल आपको लगाना है तो उसके लिए आप लिखेंगे रिलीफ, और फिर आपने यहाँ पे बॉर्डर का स्टाइल दे दिया। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सॉलिड। ठीक है, अब इस बटन को मैं एक मैंने वेरिएबल बना दिया बटन 1। ठीक है, तो ये हमारा बटन वेरिएबल बन गया, और अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हमने बटन तो क्रिएट कर लिया, अब जब तक हम इसको ऐड नहीं करेंगे तो ये हमें विजिबल नहीं हो पाएगा। तो हमने पैक मेथड का यूज़ करते हुए, ठीक है, पैक मेथड का यूज़ करते हुए इसको हमने ऐड किया, और अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो फाइल का नाम है GUI11.py, एंटर किया। ठीक है, तो आप देखेंगे एक बटन आ गया, और यहाँ पे ये सॉलिड लिखा हुआ है, और इस पे आप देख रहे हैं एक बॉर्डर आ रहा है। ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर के स्टाइल को हम बोलते हैं सॉलिड स्टाइल। ठीक है, अब इस तरीके से कौन कौन से स्टाइल्स हम यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये तो एक बटन था, इसी तरीके से मैंने कुछ और बटन्स भी बना दिए। ठीक है, अब दूसरे बटन का मैंने, बटन के लिए मैंने वेरिएबल बना दिया 2 नाम का। तीसरे बटन के लिए मैंने वेरिएबल बनाया 3 नाम का। तो अलग अलग मैंने नाम दे दिए सभी को। ठीक है, तो ये हमने 5 बटन यहाँ पे क्रिएट किए हैं। अब सॉलिड के बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। सॉलिड के बाद मैंने यहाँ पे लिखा रिज, देन आफ्टर ग्रूव। ठीक है, सॉलिड रिज ग्रूव। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा रेज्ड। ठीक है, फिर रेज्ड के बाद हमने लिखा फ्लेट। ठीक है, एक बटन में और क्रिएट करता हूँ।
ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट बटन स्टाइल्स हैं। अभी तो हमने टेक्स्ट चेंज किया है, बट ये बटन का बॉर्डर हमें सेट करना है, तो रिलीफ प्रॉपर्टी का हमें यूज़ करना पड़ेगा, उसको हमें सेट करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट आप कुछ भी दे सकते हैं, बट मैंने टेक्स्ट भी वही दिया है जो मैंने बॉर्डर में स्टाइल दिया है। ठीक है, तो ये सारे हमारे अलग अलग बटन स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, बटन के बॉर्डर स्टाइल्स होते हैं। अब मैंने इसको रन किया तो आप देखेंगे डिफरेंस आपको क्लियरली यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, सभी में अलग अलग आप देख रहे हैं, कोई 3D व्यू है, किसी में जो बॉर्डर है वो डार्क है, किसी में ऊपर वाला बॉर्डर डार्क है, किसी में बॉटम और राइट वाला बॉर्डर डार्क है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग बटन के स्टाइल्स हैं, सॉलिड, रिज, ग्रूव, रेज्ड, फ्लेट एंड सनकन। सो ये थे डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।